हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना 276 के। ठीक है, आप वहाँ यहाँ पे 276 लिख लें, लास्ट डिजिट चेक करें 6 है, तो 2 यहाँ पे हम फैक्टर ले सकेंगे कि नहीं। यस ले सकते हैं, क्योंकि 2 लेने के लिए ज़रूरी होता है लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 की जगह 2 आ जाएगा 1 है, 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता लेकिन 6 आता है, ये बन गया 6। 2 की जगह 6 आ जाएगा 3 है, 7 था 6 बना, इसका 1 कहाँ गया, इसने इसको दे दिया, ये बन गया 16। 2 की जगह 16 आ जाएगा 8 है, लास्ट डिजिट फिर से 8 है। तो देखिए 2 लेने के लिए ज़रूरी होता है इनमें से कोई हो, तो 8 है हमारे पास, तो यहाँ भी 8 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं। 2 की जगह 13 आ जाएगा, 2 के टेबल में 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है, 2 की जगह 12 आता है 6 है, 13 था ये 12 बना, इसका 1 इधर चला गया, बन गया 18। 2 के टेबल में 18 आ गया 9 है, अब आपके पास आ गया 69। 69 का लास्ट डिजिट चेक करें 9 है, इनमें से तो नहीं है कुछ, 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास तो 9 है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 फैक्टर नहीं ले सकेंगे। 3 लेने के लिए ज़रूरी होता है आपने क्या करना है, 69 इन दोनों को प्लस करें। ठीक है, 3 लेने के लिए ज़रूरी है इन दोनों को प्लस करें, प्लस करके अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 3 के टेबल में आता हो तो आप यहाँ पे 3 ले सकेंगे। 9 में 6 प्लस किया तो हमारे पास आ गया 15, तो देखिए हमारे पास तो 15 आ गया। मैंने आपको क्या कहा था, प्लस करके कोई ऐसा नंबर है जो कि 3 के टेबल में आ सकता हो, तो 3 के टेबल में 15 आता है, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं। ये शॉर्टकट वे है या रूल है कि हम लोग यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकेंगे, 3 ले सकेंगे कि नहीं, कि आप यहाँ पे पहले चेक करके देख लें कि आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये रूल होता है, आप इसको समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने यहाँ पे कौन से फैक्टर लेने होते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2 है, 3 के टेबल में 9 आता है 3 है, 23 आ गया। अब देखें 23 जो है आप इन दोनों को प्लस करें और आपको पता चल जाएगा 3 के टेबल में हम यहाँ पे 3 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं। 3 और 2 को प्लस करें तो आपके पास तो 5 आता है, तो आप देखें 3 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, इसका मतलब हम यहाँ पे 3 नहीं लेंगे। तो देखें 4 और 6 तो वैसे ही नहीं लेंगे, लास्ट डिजिट जो है इवन नहीं है, 3 है, 6 या 2 0 2 4 6 8 में से कुछ नहीं। 4 भी रिजेक्ट हो गया, 6 भी रिजेक्ट हो गया। 5 के लिए ज़रूरी होता है हम लोग क्या करें, लास्ट डिजिट देखें 0 हो या 5 हो, इनमें से ना 0 है ना 5 है, लास्ट डिजिट 3 है, इसका मतलब 5 भी रिजेक्ट हो गया। 7 के लिए ज़रूरी होता है आपने लास्ट डिजिट को प्लस करना है, 3 में 3 प्लस कर देना है, 6 आ जाएगा, 6 में से 2 निकाल दिए तो ये तो आ रहा है 4, तो 7 के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी था, ऐसा नंबर आता जो कि 7 के टेबल में आ सकता, 7 के टेबल में तो 4 नहीं आता, इसका मतलब 0 में नहीं आ रहा, 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 5 में नहीं आ रहा, 7 में नहीं आ रहा, इन चारों में से किसी टेबल में नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मतलब ये सिर्फ अपने टेबल में नहीं आएगा, जब इन चारों में से किसी में नहीं आ रहा तो ये प्राइम नंबर हुआ। तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हमने 276 के, क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 23। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।